इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि इन चुनावों में टीएमसी औंधे मुंह गिरेगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी ने 70 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। उधर टीएमसी भी आज नंदीग्राम शहीद दिवस के मौके पर अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी और आज सभी की नजरें चुनाव आयोग पर भी रहेंगी, क्योंकि चुनाव आयोग में ममता बनर्जी को लगी चोट पर चर्चा हो सकती है। पहले बता दिया है 200 का पार, वो 200 पार होने वाला है। भाजपा आगे चल रहा है। सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है? बड़ी वजह है बंगाल का आम जनता अभी ममता जी को खिलाफ में है। ग्राउंड पे कैसी स्थिति है अभी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, और शुभेंदु दा बहुत वोटों से जीतने वाले हैं। बीजेपी नेताओं की ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बंगाल चुनाव को लेकर उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा हुआ है, और इस कॉन्फिडेंस के पीछे है एक चेहरा और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, हम पल पल आपके लिए जिएंगे, हम पल पल आपके सपनों के लिए जिएंगे। नरेंद्र मोदी ने जो दावा कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया था, कल देर रात खत्म हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में भी पीएम ने वही दोहराया, या यूं कहें उससे भी आगे बढ़कर दावा किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीईसी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, बंगाल चुनाव में औंधे मुंह गिरेगी टीएमसी। दूसरे चरण के चुनाव खत्म होते होते टीएमसी को पता चल जाएगा कि वो कितनी बुरी तरह हार रही है। बीजेपी की सीईसी की बैठक में बंगाल चुनाव को लेकर जो दावा प्रधानमंत्री ने किया, बैठक के बाद उसी दावे का कॉन्फिडेंस बीजेपी के हरेक नेता की जुबान पर दिखा। जो हम लोग पहले बता दिया है 200 का पार, वो 200 पार होने वाला है। अभी आप लोग उत्तर बंगला की तरफ देखिए, जहाँ के पूरा जिला ही, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत, जिला अध्यक्ष, जिला जनरल सेक्रेटरी, सभी लोग ट्रांसफर हो रहे हैं। किस कारण हो रहे हैं? इसके पीछे तो इनको पता चल गया है कि टीएमसी जाने वाला है। निचले स्तर के जो कार्यकर्ता जब आते हैं, तब समझेगा कि उनका पास भी खबर पहुंच गया है, ये भाजपा की तरफ जाने वाला है नतीजा, और टीएमसी खत्म होने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, कुल मिलाकर सिंडिकेट राज समाप्त हो, और माफिया, कोल माफिया, दारू माफिया, गोरू माफिया, कोल माफिया, इससे प्रदेश मुक्त हो। आम जनता बंगाल के तैर कर चुके हैं, 10 साल देख चुके हैं, और इस बार भाजपा को भी उन लोगों ने काम करने का मौका देंगे कि आगे जाके जिस तरह से हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, स्वराष्ट्र मंत्री जी बोल रहे हैं, नड्डा जी बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बंगाल के तरक्की चाह रहे, हम लोग ऐसा चाह रहे कि बंगाल में एक ऐसा तरक्की हो, ऐसा तरक्की का लहर चले जहाँ हर परिवार में एक ऐसा रोजगार हो जहाँ से वो लोग कुछ कर सके। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में बंगाल में धुआंधार प्रचार हो रहा है, तो कोलकाता से दिल्ली तक मीटिंग का दौर भी जारी है। शनिवार शाम दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत बंगाल के कई नेता मौजूद रहे। करीब 5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में असम, तमिलनाडु, केरल और बंगाल के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए, लेकिन फोकस बंगाल पर ही रहा।
बैठक में बंगाल के तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम तय हुए। केंद्रीय चुनाव समिति ने 70 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई। आज उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही ममता के व्हीलचेयर पॉलिटिक्स के जवाब में बीजेपी ने नया हैशटैग बांग्ला चाहे मोदी मॉडल लॉन्च किया है। नई स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल करने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान भी तैयार है। प्लान के तहत बीजेपी के नंबर वन प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की रैली तय है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।